नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देवप्रयाग में आज सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर कोड़ियाला से करीब 5 किलोमीटर आगे तोता घाटी के पास गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान SDRF और पुलिस की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू में जुट रही है, जिसके बाद सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया। बता दें कि कार में 3 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे। देवप्रयाग में आज सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोड़ियाला से करीब 5 किलोमीटर आगे तोता घाटी के पास एक ऑल्टो कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना पर SDRF और पुलिस की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान SDRF की टीम के प्रभारी उप निरीक्षक नीरज चौहान ने बताया कि कार में चमोली निवासी 3 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे। वहीं एक ही परिवार के ये लोग मेरठ से शादी की खरीदारी करके लौट रहे थे और तभी वो लोग हादसे का शिकार हो गए। वहीं मृतकों की पहचान 25 साल की पिंकी सिंह, 40 साल के प्रताप सिंह, 36 साल की भागीरथी देवी, 15 साल के विजय और 12 साल के मंजू के रूप में हुई है।